पर 11 देखा जाए, कह रहे गुणनखंड प्रमेय से दिखाइए कि यह दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। चलिए चेक करना है हमें, चलिए दिखाना है। तो हम लोग बहुपद मान लेते हैं px बराबर में x क्यूब माइनस का 3x² प्लस का 4x-4 का एक गुणनखंड x-2 है, ये आपको दिखाना है। तो x-2 बराबर 0 कर दोगे, x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा 2, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ और शेषफल आपका 0 आ जाए तब इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो 2 का क्यूब माइनस 3 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 4 गुना 2 माइनस का 4, 2 का क्यूब 8, यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4 दिया 12, यहाँ प्लस का 8 और यहाँ माइनस का 4, 8 16 हो जाएगा और यह भी 12 4 16 हो जाएगा। तो घट के आपका 0 आ जा रहा ना, अतः यहाँ कह सकते हैं, इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि x-2 बहुपद किसका px यानी जो दिया हुआ बहुपद का गुणनखंड है, का गुणनखंड है। आप बहुपद पूरा भी लिख सकते थे इसी को, मैंने सीधे px लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया ना। तो चेक करना, अगर शेषफल 0 आ गया तो आपका वह एक गुणनखंड हो जाएगा। चलिए।